नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत कर दिया। किसी का रोल नंबर गलत है तो किसी का मार्क गलत है, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ गलत हो गया तो वो बच्चे जो है स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि गेस लगाया जा रहा था कि हमारी करेक्शन डेट 7 तारीख से आएगी, कोई बता रहा था 9 जनवरी से आएगी। तो दोस्तों वो सब जो है अनुमान था और जो है अब आपकी करेक्शन डेट निकल के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम.com को खोल रखा है। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों आप यहां पे देखिए लिखा हुआ है करेक्शन डेट। यहां पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ करेक्शन डेट जो है 19 जनवरी 2023 से चालू होकर 27 जनवरी 2023 के बीच आपकी करेक्शन डेट रहेगी। तो दोस्तों आप ये डेट याद लगा के रखिए कि आपका जो है करेक्शन 19 जनवरी 2023 से चालू होकर 27 जनवरी 2023 के बीच आपके फॉर्म में जो भी दिक्कत हो आप उसको सही कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन डेट बार बार नहीं आती, एक ही बार आएगी। अगर आप उसमें चूक गए तो जो है आपका करेक्शन करने का दोबारा चांस नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों आप ये डेट याद लगा के रखिए। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आपके मन में और कुछ डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।